नमस्कार दोस्तों, प्रिंटर लेने में बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हमारा होम यूज के लिए हो, ऑफिस यूज के लिए हो या नए शॉप के लिए हो, एप्सन और कैनन ज्यादातर कंपैरिजन में सेम मॉडल आ रहा है। एप्सन का L3110, L3150, L3250, कैनन का Z200, 2010, 3000, 3010। इसमें एप्सन और कैनन ने कई सारे मॉडल जो लॉन्च कर दिए हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने जाने वाली है। किसी ने भी बात नहीं कही होगी वैसी बात हम करने वाले हैं। और दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल और टेक्निकल वीडियोस के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर से क्लिक कर दीजिए, ऐसे ही नई नई वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, एप्सन की बात करें और कैनन की बात करें तो ये दोनों ऑल इन वन मॉडल है। इसमें प्रिंट कॉपी स्कैन कर सकते हो, पेपर की बात करें तो आप A5 से लेके A4 लीगल तक यूज कर सकते हो। ये दोनों में डुप्लेक्स वाले भी मॉडल आते हैं। और दोस्तों, आप डुप्लेक्स वाले जो मॉडल आते हैं वो अपने मॉडल के हिसाब से जो बड़ी वाली साइज में आते हैं उसमें आपको डुप्लेक्स मिलता है, ये छोटा प्रिंटर में डुप्लेक्स नहीं मिलता है। अब कंपैरिजन वाली जो बेस्ट बात है, ये दोनों CMY के मॉडल है, कलर मॉडल है। आपको CMY की यानी कि सियान, मेजेंटा, ब्लैक और येलो इंक यूज होती है। ये दोस्तों, कैनन का जो मॉडल है उसमें चारों इंक 65 ml मिलने वाली है। जो कैनन का मॉडल है उसमें आपको CMY यानी कि कलर इंक है वो 70 ml मिल जाती है और ब्लैक इंक है वो 35 ml मिल जाती है। कई सारे ज्यादा ऐसे भी मॉडल आ रहे हैं कैनन के जिसमें एक्स्ट्रा ब्लैक इंक आपको मिल जाती है, वो मॉडल के हिसाब से होता है। दोस्तों, इंक के मामले में कैनन प्रिंटर के साथ ज्यादा इंक देता है, इसीलिए इसकी कॉपी कॉस्ट भी कम आती है। अब कॉपी कॉस्ट की बात करें तो कैनन सबसे कम कॉपी कॉस्ट बताता है, लेकिन दोस्तों हम जब यूज करते हैं तो अराउंड दोनों का कॉपी कॉस्ट सेम होता है, तो ये दोनों प्रिंटर लेने के लिए कॉपी कॉस्ट मायने नहीं रखता है। अब दोस्तों, कॉपी स्पीड की बात करें तो एप्सन सबसे कॉपी स्पीड में ज्यादा होता है और एप्सन प्रिंटर का प्राइस भी ज्यादा होता है। हमारा होम यूज के लिए हो, हमारा कम यूज हो तो कैनन बेस्ट है। अब दोस्तों, कॉपी इसमें स्पीड की बात करें तो एप्सन की स्पीड 15 कॉपी होती है तो कैनन की स्पीड 8 कॉपी होती है। ये 50% कम स्पीड में देने वाला कैनन का मॉडल है। अब दोस्तों, ज्यादातर जिस बात में कंपैरिजन आता है उस बात में हम ये दोनों प्रिंटर जब यूज करते हैं तो हेड आ जाता है दोनों में। हेड के हिसाब से ही, हेड के जरिए ही हमारा पेपर प्रिंट होता है। एप्सन की बात करें तो एप्सन में हेड आ जाता है, कैनन की बात करें तो कैनन में हेड जैसी कार्टिज आ जाती है जिसे हम कार्टिज कहते हैं। जो एप्सन में हेड आता है उसमें चारों इंक का हेड एक ही हेड में सेम आ जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और कैनन की बात करें तो कैनन में कार्टिज, जो कलर की कार्टिज है वो अलग आ जाती है और ब्लैक की कार्टिज अलग आ जाती है। अब दोस्तों, हम जब ये प्रिंटर यूज करते हैं तो हमें बार बार क्लीन करना होता है। जब हमें कैनन का प्रिंटर यूज करते हैं तो इसमें ब्लैक इंक है आपकी डैमेज, तो ब्लैक इंक ही क्लीन कर सकते हैं, और कलर इंक है तो कलर क्लीन कर सकते हैं, सेपरेट हिसाब से क्लीन कर सकते हैं। अब एप्सन की बात है तो एप्सन में आप जब क्लीन करोगे तो चारों के चारों इंक, हमारा 4 टाइप का इंक होता है, वो 4 इंक क्लीन होगी। तो यहाँ पे एप्सन में जो इंक की है वो सेविंग नहीं होने वाली है, कैनन की इंक की सेविंग होने वाली है, क्योंकि आपकी जो कलर जाम है तो आप कलर क्लीन कर सकते हैं, ब्लैक जाम है तो ब्लैक क्लीन कर सकते हैं, इसीलिए आपको कैनन में इंक की सेविंग होने वाली है, इसीलिए इसमें आपकी जो है कॉपी कॉस्ट कम हो सकती है, तो अराउंड कॉपी कॉस्ट आ जाती है। अब दोस्तों, आपका प्रिंटर जब डैमेज हो जाता है, एप्सन प्रिंटर जब डैमेज हो जाता है, इसका हेड डैमेज हो जाता है, हेड खराब हो जाता है, तो ये प्रिंटर यूज एंड थ्रो है। आप इसमें चाहो तो हेड चेंज कर सकते हो, लेकिन इसकी हेड की प्राइस बहुत होती है, अराउंड 60 से 70 प्रिंटर प्राइस अराउंड होता है। प्रिंटर का जो प्राइस होता है इसमें 60 से 70% हेड का प्राइस होता है। अराउंड आपका जो प्रिंटर है वो 10,000 का है तो इसका हेड का प्राइस 6,000-7,000 मिल जाता है। जब आपका कैनन का प्रिंटर होता है उसमें हेड डैमेज हो जाता है, आपका कलर जो कार्टिज है वो डैमेज हो जाती है, तो आप कलर कार्टिज चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कार्टिज डैमेज हो जाती है तो ब्लैक कार्टिज चेंज कर सकते हैं। और ये एप्सन के मुकाबले में कैनन की कार्टिज है वो कम से कम पैसों में आपको मिलने वाली है, तो आपका ये प्रिंटर है वो खराब होने वाला नहीं है, यूज एंड थ्रो वाला नहीं है। आप ये जब कार्टिज चेंज करते हो तो प्रिंटर नया हो जाता है। और दोस्तों, आपका ज्यादा वर्क है, आप प्रिंट क्वालिटी में जाना चाहते हैं तो एप्सन का क्वालिटी थोड़ा सा बेटर होता है।
और कैनन का क्वालिटी भी बेस्ट होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी शार्पनेस आने वाली है। ज्यादातर लोग कैनन का प्रिंटर यूज करते हैं जिसका कम वर्क होता है वो कैनन का प्रिंटर यूज करता है। और दोस्तों, आपको बार बार चेंज करना नहीं होता है तो कैनन का प्रिंटर यूज करें, क्योंकि इसमें कार्टिज चेंज करते हैं तो प्रिंटर नया हो जाता है। दोनों में 1 ईयर की वारंटी और अपने मॉडल के हिसाब से प्रिंट के अराउंड आपको इसमें वारंटी मिल जाती है, और दोनों की वारंटी सेम है, दोनों का वारंटी पीरियड है वो भी सेम है, और अपने मॉडल के हिसाब से प्रिंट अराउंड आपको वारंटी मिल जाती है। अब दोस्तों, दोनों कंपनी की सर्विस भी बेस्ट है। अब एक बात यहाँ पे रही है, तो इसमें वेस्ट इंक जब हमारी जमा होती है, दोनों में वेस्ट इंक पैड आता है, तो कैनन ने यहाँ पे डिफरेंट वेस्ट इंक पैड दे दिया है। आप अपने हिसाब से ही वेस्ट इंक फुल हो जाती है तो आप अपने आप जो इसकी वेस्ट इंक है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कैनन ने अपना वेस्ट इंक है वो मैनुअल दे दिया है, आप अपने हिसाब से ही वेस्ट इंक पैड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और एप्सन का इंक पैड है वो मशीन में अंदर आ जाता है, इसलिए आपको सर्विस स्टेशन ले जाना होता है। दोस्तों, एप्सन और कैनन का बेस्ट मॉडल और उसका प्राइस में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, वहां जाके आप इसकी प्राइस भी चेक कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों मॉडल में आपको कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं और कौन सा मॉडल आपको पसंद आया है वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होते हैं और ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहते। तो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।